सभी खुश हो? सबसे पहले सबको जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त पैरागाउंडर, पैरागाउंडर फिटनेस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी दिन से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन थोड़ा रनिंग करते थक जाते हैं, तो ऐसे मैंने दो एक्सरसाइज लेकर आया जो आपका जो स्पीड तो बढ़ेगा बढ़ेगा। आप बोलते रहे थोड़ा रनिंग करके हम थक जाते हैं, आधा रोड में आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग हमारी जो सांस है वो कवर नहीं हो पाता। आप लोग पता ही हमारे शरीर के अंदर एक इनर एक आउटर होता है, एक तरफ से सांस लिया जाता है और एक से सांस छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थोड़ा रनिंग करते थक जाते। तो ऐसे में दो एक्सरसाइज लेकर वीडियो में देखे। सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की तरफ सारे पार्टी बैठ जाओ, कमर सीधा, आपको इस तरफ से बैठना है और आपके हाथ इस तरफ से होना चाहिए और इस तरफ से लेते हो सामने फास्ट में। आपको ये जो उंगली आप देख सकते हो यहाँ पर लेनी है। सारे पार्टी स्टार्ट करें, पोजीशन, लंबा गहरी सांस ले, रेडी। उसके बाद नाक को बंद करें, उसके बाद दोनों नाक बंद होगा, उसको वहां से मुंह से छोड़े, सेम दोबारा दूसरी नाक ऑन करें, दूसरी नाक से खींचे और नाक को बंद करें। तो साथियों ये जो एक्सरसाइज जबरदस्त है, अगर आपने मॉर्निंग में कर लिया शायद आपका जो रनिंग का समस्या 110% गारंटी के साथ आता हूँ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। नंबर वन एक्सरसाइज मॉर्निंग में करें, जहाँ पर बिल्कुल साइलेंट एरिया हो वहाँ पर करें, भीड़ वाले एरिया में ना करें, आपके मन भी शांत होगा। दूसरी बात, आपका मन इधर उधर भागते रहता है वो भी यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा। इंसान के अंदर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपना माइंड, जो बोल दिया वही फाइनल है। इस माइंड को शांत करने के लिए आप योगा जरूर करें डेली मॉर्निंग, जब टाइम मिले बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हो, समझ रहे हो? यस सर। दूसरी बात, इस तरफ से करें, साथियों ये जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज से बेनिफिट क्या है, हमारे लंग्स से लेके फेफड़े से लेके सारे के सारे एक्सरसाइज मिलते हैं। हमारी बॉडी को एक्सरसाइज मिलता है जरूर, लेकिन अंदर का जो मशीन है इनके ऊपर एक्सरसाइज नहीं मिल पा रहे, इस कारण की वजह से हम थोड़ा सा रनिंग करते थक जाते हैं। जो भी चीज़ हम खाते हैं खाना को पचा नहीं पाता है क्योंकि डाइजेशन नहीं होता है, समझ रहे हो सर? इसलिए हमारे जो अंदर का सिस्टम को भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब भी खाना खाते हो आप एक घंटा लगा के जरूर खाना खाइए, लेकिन आराम से चबा चबा के खाइए, क्योंकि हमारे पेट में गैस होने का सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी हम जल्दबाजी खाना खा लेते हैं साथ पानी डाल दो, कभी भी खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, एक घंटा पहले पानी पीना है, समझ रहे हो? एक घंटा पहले पानी पीना है, उसके बाद खाना खाते हम एक बूंद तक पानी नहीं पीना। अगर थोड़ा सा गले में लग गया तो हल्का सा पानी ले सकते, समझ रहे हो? एग्जाम्पल, अगर आप खाना बना रहे हो पहले पानी गर्म होता है ना, उसके बाद चावल डालते हो, चावल पानी एक साथ डाल दिया वो होगा गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी दो घंटे के बाद पीना, समझ रहे हो? नहीं तो पेट में गैस बनेगा, समझ में आया? और खाना धीरे धीरे चबा चबा खाओ, जब तक जो रोटी को और चावल को ठीक से आपको मिक्स नहीं होगा तब तक चबाते रहो, बिल्कुल नरम होना चाहिए, समझ में आ रहा है? उसके बाद अंदर जाने के बाद आपका डाइजेशन भी मजबूत रहेगा। सुबह उठते गर्म पानी पीना सभी, खाली पेट में बिना मुंह धुलाए के हुआ, क्योंकि हमारी जो मुंह के अंदर लावा होता है ये लावा अंदर जाएगा तभी आपको पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आप छुटकारा मिल सकते। कोई भी एक रोटी खा लो काफी समय तक साइड में रखना, देखना मीठा लगता है और लगता है मीठा, क्योंकि ये हमारे क्या लावा है अंदर का, स्लाइवा जो होता है वही चीज है हमारी जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, समझ रहे हो? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी खाना खाते हो चबा के खाना और आपका शरीर फिट रहेगा तभी आप रनिंग में सक्षम हो, ठीक है? पानी का सेवन ज्यादा करें, गर्मी है अगर प्यास भी ना लगे पानी, कि शरीर से पसीना निकल रहा है ना, यस सर।
ये हमारे शरीर के अंदर का पानी है, आपको पता है 72% हमारे शरीर में पानी होता है, पता है? तो इसलिए पानी का सेवन ज्यादा करें, समझ रहे हो? तो सांस लेने और लेने का तरीका, हम वन स्टेप टू सांस लेते हैं, आपको समझ, थ्री स्टेप वन बार, एक बार सांस। आपको पता है कछुआ 150 साल जीता है क्यों? एक बार सांस लेने के बाद 2 से 3 मिनट तक सांस नहीं लेता, लेता है उसको दोबारा पानी से गुरु निकालते, सबसे लॉन्ग टाइम जीता है। आपका सांस के ऊपर है, ज्यादा सांस लोगे तो रनिंग नहीं कर पाओगे, जितना सांस कम होगा इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। आप रनिंग जब करते हो फुल स्पीड से, आपका सांस का जो है वो कम होना चाहिए। एक बार ऑक्सीजन ले लिया तो 2-3 स्टेप के बाद ही दोबारा छोड़ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो? अगर एक स्टेप में आपने ऑक्सीजन ले लिया, दो बार ले लिया, उसके बाद छोड़ते टाइम तुरंत छोड़ दिया तो फिर मुश्किल। आपको सांस को रुक के रखना जितना हो सके, तभी आप सक्षम, इसलिए थोड़ा रनिंग करता वो थक जाते हो। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुके हैं और आप लोग ज़रूर ये एक्सरसाइज करें, 2 एक्सरसाइज जो मैं बता दिया कपाल भाति और अनुलोम विलोम वाला करें, जिससे आपकी जो सांस का जो प्रॉब्लम समस्या सोल्व हो जाएगा और आप रनिंग में सुपर सुपर एक्सरसाइज। तो साथ ही इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो का समय जरूर बताना, अच्छा लगा सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।